हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्रोवाइडर में। दोस्तों, आज जो है हम लोग साइकोलॉजी के 12th बोर्ड पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम के जो है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं उसको जो है मैंने चैप्टर वाइज कर दिया। पहले क्या करते थे, सेट से पूरी किताब से सेट उठा के आपको दिया जाता था, लेकिन अब क्या किया मैंने, चैप्टर वाइज कर दिया ताकि जो है आपको जो है पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये निम्नलिखित कथन जो मानसिक आयु तथा तैथिक आयु क्रॉनिकल एज से संबंधित है पर विचार करें। देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु से कम, अधिक या बराबर हो सकता। बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, जब मानसिक आयु तथा तैथिक आयु से कम हो, मानसिक आयु तैथिक आयु से कम हो तो व्यक्ति मंद बुद्धि का समझाता। बिल्कुल सही बात आ रही है, दो दो सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, जब मानसिक आयु तथा तैथिक आयु से अधिक होता है तो व्यक्ति का बुद्धि तीव्र समझा जाता है। बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और एक कोट की सहायता से दे रहा है। चलिए अब देखिए, जब मानसिक आयु तथा तैथिक आयु एक दूसरे के बराबर होता है तो व्यक्ति को किस सामान्य बुद्धि का समझा जाता है। बिल्कुल सही बात है, आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, मानसिक आयु मेंटल एज का प्रयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि मापने में किया जाता है। इस संप्रत्यय का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? ए बीने तथा साइमन के द्वारा, बी वेस्कलर के द्वारा, सी जेसी रेवन के द्वारा, सी टर्मेन तथा मेरिल के द्वारा। तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूची वन को सूची दो से सिद्धांत को सिद्धांतकर्ता के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो पहला देखिए, अब यहाँ पे पहला क्या दे रहा है, रवादार एवं तरल बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? रवादार एवं तरल बुद्धि का सिद्धांत, चलिए तो ये दिया गया था केटल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए, जी कारक का सिद्धांत, जी कारक का सिद्धांत दिया गया था स्पीयरमैन के द्वारा। और प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत दिया गया था, प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने और त्रिविमीय का गिलफर्ड ने। तो आपका आंसर क्या सही हो गया, चलिए 1 का 3, B का 4 और C का 2 और 1, यानी कि 3 4 2 1। देखिए तो इसमें 3 4 2 1 किसका है, 3 4 1 2 नहीं हुआ, 3 4 2 1, यानी कि आंसर क्या सही हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, बुद्धि के निम्नलिखित परीक्षणों पर विचार कीजिए। ए स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, बेस्कलर व्यस्क बुद्धि मापनी, टर्मिन मेरिल परीक्षण और टी बीने साइमन परीक्षण। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आंसर जो दे रहा है आपका 4 3 4 1 3 2 दे रहा है। इसका जो है ना ईस्वी सन आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, कि कब किसने कौन सा सिद्धांत दिया। हालांकि ये जो है मुझे अभी याद नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप इस सब का जो है बुद्धि पर सिद्धांत जो है कब किसने दिया ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, बुद्धि सिद्धांत की सूची सिद्धांत प्रतिपादक को सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूटों का सही उत्तर कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ये द्विकारक सिद्धांत, चलिए द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, माफ कीजिए अब बहुत रात हो चुकी है तो थोड़ा सा ये हो रहा, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो द्विकारक सिद्धांत जो दिया था वो है आपका स्पीयरमैन। किसने दिया था दोस्तों? स्पीयरमैन ने। ठीक है, तो 1 का 3। और समूह काकर सिद्धांत, तो समूह काकर सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? थॉप्सन के द्वारा। ठीक है, तो बी का क्या आंसर हो गया, 4। और बुद्धि की संरचना किसने का सिद्धांत किसने दिया था? तो बुद्धि की संरचना का सिद्धांत गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था। और क्रिस्टलित बुद्धि जो है केटल के द्वारा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ठीक है, ख आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिने परीक्षणों को बनाया गया था, ए बिने परीक्षण को बनाया गया था, ठीक है, बिने परीक्षण जो है वो क्यों बनाया गया था? देखिए बिने यहाँ साइंटिस्ट का नाम है,
ये बच्चों के मस्तिष्क में हुई क्षति को पहचानने के लिए, बिल्कुल नहीं, जो यह जानने के लिए कि क्या बुद्धि आयु वृद्धि के साथ बढ़ती है, ये भी नहीं है, और सी है उन बच्चों की पहचान करने के लिए जो सामान्य कक्षा अध्यापन से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, यही है, ठीक है। सी देखिए यहाँ पे आंसर भी सी दिया हुआ है। साइमन तथा बीने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण किस लक्ष्य से के साथ किया था? ये बुद्धि के कारणों के निर्धारण के लिए, ख उच्च बुद्धि वाले बच्चों के भविष्य निर्धारण के लिए, ग सामान्य बुद्धि वाले बच्चों को निम्न सामान्य बुद्धि वाले बच्चों से अलग करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जो है सामान्य बुद्धि वालों को निम्न सामान्य बुद्धि, ठीक है, मतलब नॉर्मल ही होना चाहिए, ठीक है, दोनों के पास नॉर्मल ब्रेन रहेगा, ठीक है, लेकिन एक नॉर्मल में भी हाई, ठीक है, और एक नॉर्मल में लो। नेक्स्ट देखते हैं। बुद्धि के फ्लूड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ए बर्ट तथा वर्नन के द्वारा, बी आरवी कैटल के द्वारा, सी डेक्सलर के द्वारा, डी हर्बर तथा फ्राइड के द्वारा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आरवी तथा कैटल के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखिए। सूची सिद्धांत को सूची टू प्रतिपादक के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के अनुसार नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। चलिए तो आपका यहाँ देख लेते हैं क्या है। चलिए एक कारक सिद्धांत, तो कारक सिद्धांत किसने दिया था? बीने के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो द्वि कारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो बिल्कुल स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। और चलिए तीन नंबर देखिए, तो प्रतिदर्श, सी सी प्रतिदर्श जो है थॉमसन के द्वारा दिया गया था। और समूह कारक सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये हो जाएगा थर्स्टन, लास्ट बचाएंगे, तो 1 2 3 4, देखिए तो 1 2 3 4, बिल्कुल आंसर ग। बुद्धि के तीन प्रकार, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और मूर्त बुद्धि का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो E.L. थर्कनाट के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कम बुद्धि वाले व्यक्तियों में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता अधिक होती है, और अमूर्त चिंतन करने की क्षमता अधिक होती है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। बुद्धि के सहारे किसी व्यक्ति के सहारे व्यक्ति किसी समस्या का समाधान में सूझ का सहारा लेता है, बिल्कुल सही बात है, अगर समस्या आएगी तो आप अपने दिमाग से सोचोगे ही ना। चलो नेक्स्ट देखिए। सामान्य क्षमता का पूर्ण योग बुद्धि है, सामान्य क्षमता का पूर्ण योग बुद्धि है, बिल्कुल सही बात है, जनरल एबिलिटी। और प्रतिक्षेपित ऑब्जर्वेशन बिहेवियर के रूप में बुद्धि व्यक्ति के जीन्स एवं वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अमूर्त चिंतन करने की क्षमता जो है गलत बता रहा है, इसको चेक करिएगा, ठीक है, ये भी सही होना चाहिए, वैसे पता कीजिए गलत है, ठीक है, पता करिएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या है? डी। चलिए नेक्स्ट देखिए। यह कथन किसका है कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है? अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ए बक्सलर के द्वारा, बी टर्मन के द्वारा, ठीक है। चलिए तो अमूर्त बुद्धि का चिंतन का क्षमता टर्मन का कहना है। चलिए बुद्धि परीक्षण का जो मापता है वही बुद्धि है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बोरिंग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों है? अशाब्दिक दोनों है, तो बेस्कलर की बुद्धि मापनी, ठीक है, बेस्कलर की जो बुद्धि मापनी है ये क्या है? बेस्कलर की जो बुद्धि मापनी है वो बुद्धि परीक्षण शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए। सूची वाइसर के उप परीक्षण को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। चलिए
सुमेलित किया जाए। चलिए भाई सुमेलित करते हैं। क्या है? चित्रपूर्ति परीक्षण। तो चित्रपूर्ति परीक्षण जो है आपका क्या हो जाएगा, एक एकाग्रता था संगतता की समझ की माप, बिल्कुल सही। चलिए बी देखिए, बी क्या है आपका? चित्र परीक्षण, निर्णय करने की क्षमता, पूर्वाभास करने की क्षमता तथा योजना बनाने की क्षमता। तो यही तो है यार चित्र व्यवस्था का परीक्षण, चित्र ऐसे थोड़ी बनता है। चलिए ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, दृष्टि गति समन्वय तथा विश्लेषण संश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण संश्लेषण की क्षमता का मापन, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि अभी तक अंक विस्तार का परीक्षण यानी कि लघुकालीन स्मृति का माप, बिल्कुल सही बात, यानी कि 1 2 3 4, देखो तो 1 2 3 4, यानी कि आंसर ग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बुद्धि शक्तियों की, बुद्धि व्यक्तियों की शक्तियों का वह समुच्च या संगोलीय क्षमता है जिससे व्यक्ति धैर्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के प्रति भावपूर्ण समायोजन करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह परिभाषा जो है वेक्सलर के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, वह कौन सी बुद्धि मापनी परीक्षण है जो केवल वयस्कों की बुद्धि माप के लिए है तथा शाब्दिक मापनी तथा क्रियात्मक मापनी का दोनों का भाग है, ठीक है। तो शाब्दिक और क्रियात्मक दोनों मापनी का भाग हो लेकिन सिर्फ बड़ों के लिए, ठीक है, वयस्क वयस्कों के लिए जो है लागू हो, तो वो क्या है? वेक्सलर की बुद्धि मापनी, अभी मैंने बताया था वेक्सलर। चलिए स्टैनफोर्ड बिने मापनी है, स्टैनफोर्ड बिने मापनी, ए आयु मापनी, बी शाब्दिक मापनी, सी क्रियात्मक मापनी और डी विश्लेषण संश्लेषण मापनी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टैनफोर्ड, ये भी जो है आयु मापनी, ठीक। चलिए विचलन बुद्धि लब्धि की प्रवृद्धि को व्यक्तिगत बुद्धि लब्धि के सूचकांक के रूप में किसने प्रतिपादित किया था? ए डेविड वेक्सलर, बी टर्मेन, यही टर्मेन जो है किए थे बुद्धि लब्धि की प्रवृद्धि का माप। चलिए मानसिक आयु आज का जो लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आज दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करो, ठीक है। वीडियोज को अगर चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज को शेयर करो। देखो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानसिक आयु संप्रत्यय का अर्थ क्या होता है? ए जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक समय अंतराल, बी बौद्धिक व्यक्ति के बौद्धिक रूप से परिपक्व होने का आयु, सी ऐसा प्राप्तांक जिसके निर्धारण अपने ही उम्र या अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है, डी आयु के स्तर तक किसी भी व्यक्ति का विकसित व्यक्तित्व विकसित हुआ है। चलिए ये हो जाएगा आपका आंसर सी, एक ऐसा मानसिक आयु का संप्रत्यय पूछ रहा है, एक ऐसा प्राप्तांक जिसका निर्धारण अपने ही उम्र तथा अपने से कम या अधिक उम्र के बच्चों के औसत निष्पादन के साथ तुलना करके किया जाता है। चलिए थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।